अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तमाम ने होपली तमाम ठीक ठाक होंगी। सुबह बखैर आप सब लोगों को। आजकल मैं सुबह से जो है ना अपने ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने कॉफ़ी से स्टार्ट इसलिए लिए क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ मैंने कॉफ़ी का शेयर किया था अपना मेथड। तो बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना वो मैसेजेस कर रही थी, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज हैं और कमेंट भी मैंने पढ़े हैं। मैं आप लोग का जो है ना कि कमेंट रीड करती हूँ और वहाँ पे जवाब मुमकिन हो ना हो व्लॉग में आके लाजमी जवाब। वेट लॉस के लिए किस तरह से आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं वो मैं मेथड आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है जनाब, अपने अकॉर्डिंगली जो है ना मतलब एक चाय का चम्मच आपने लेना है ब्लैक कॉफ़ी को, और आपके पास छोटा कप हो या इस तरह मेरी तरह मग हो तो आप उसमें पानी खोलता हुआ पानी डालें, उसमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें, थोड़ी देर रेस्ट दे दें, उसके बाद आप इसको सिप सिप करके पूरा पी लें। मैं इसी मेथड से जो है ना ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और इसी मेथड से मैंने अपना वेट लॉस किया है। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं ना कि मेरा वेट लॉस अभी तक मेंटेन कैसे, क्योंकि इस बारे में काफ़ी सवाल आ चुके हैं। तो मैंने मेंटेनेंस का यही राज है कि मैं दिन में एक बार किसी भी टाइम ब्लैक कॉफ़ी का इंटेक लास्ट में करती हूँ, जिससे मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो मैंने सोचा ये टिप आपको आपके साथ ही मुझे शेयर कर लेना। ये ना अभी मैं फायका को हेयर मास्क लगाने लगी हूँ, मैं खुद भी लगाऊंगी, फायका को भी लगा के दूंगी। अच्छा, मैंने इसको बनाया किस तरह आप लोग बोलेंगे, आप ही आपने दिखाया नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, एलोवेरा है इसके अंदर, ठीक है। एलोवेरा का जेल मैंने अलग से निकाल लिया था बिल्कुल फ्रेशली, और उसके साथ एक अदद बनाना है, और ओलिव ऑयल मैंने इसके अंदर ही शामिल कर दिया, और दो जो है ना चम्मच खाने के चम्मच मायोनीज। अब इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया, तो देखें इतनी फाइन कंसिस्टेंसी हो गई है। अब इसके साथ मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये कोकोनट ऑयल है, ठीक है। मैं चलतान प्योर का यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी। और मैं ये जो है ना क्या कहते हैं बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग डालूंगी, मतलब जितनी मुझे ज़रूरत है उस मुताबिक। और साथ में इस्तेमाल करूँगी पुदीने, मतलब कि पेपरमेंट। इसको तो मैं बहुत बार अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ क्योंकि ये बहुत बेस्ट जो है ना वो हेयर ग्रोथ एक ऑयल है। तो अगर आप लोग को इजीली मिलता है दराज पे तो आराम से आप लोग को मिल जाए। अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप ज़रूर जाके बाय कीजिएगा और इसको अपने ऑयल में शामिल करें, चाहे वो सरसों का हो या कोई भी हो। तो आपके बालों की ग्रोथ स्मेल ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप अगर थोड़ा सा भी डालेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सर में इतनी ठंडक हो जाती है ना, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, खुश्की का बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है, डैंड्रफ ही डैंड्रफ है, और एक तो बाल गिरना नहीं बंद हो रहे हैं। तो मैं तो भाई ये मेरा जो है ना सिग्नेचर मास्क है, हेयर मास्क अगर कोई लगाएगा ये वाला मेथड, मैं इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट बताऊँगी मैंने कैसे बनाया था। लेकिन ये आपको मैंने डिटेल बता दी, ठीक है, इन्ग्रीडियंट वगैरह भी। तो अगर मैं अभी फायका को अप्लाई करती हूँ तो आपको बताती हूँ उसको कैसे अप्लाई करें। मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी रेमेडीज़ देखी थी, लेकिन मुझे आप यकीन करें इस रेमेडी से बेटर कोई भी नहीं लगी, और ये मेरी अपनी क्रिएट की हुई रेमेडी है, कोई मैंने इसको इंटरनेट पे नहीं देखा। मैं खुद ही ये सारी चीज़ें मिक्स करके लगा लेती हूँ अपने बालों पर भी और फायका के भी। अच्छा, बहुत सारे जो है ना मुझे मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप जो देखते हैं फायका के बालों को, उसके बालों का टेक्स्चर ना थोड़ा सा थिन है, तो मेरी आजकल कोशिश है कि मैं उसको एक्स्ट्रा हेयर केयर स्टार्ट कर दूँ उसकी, ताकि अभी मैं आप लोगों को ये बिफोर का रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये आप देखें इसके बालों की आज लेंथ हम नोट करेंगे आज कितनी, और इंशाल्लाह मैं एवरी वीक इसको ये लगाऊंगी, और फिर उसके बाद हम जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा एक महीने के अंदर कितना आता है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा मेरे कहने पे, हफ्ते में एक बार अपने बालों पर इसकी आप जो है ना एप्लीकेशन करें, 15 से 20 मिनट इसको बालों पर लगा रहने दें। मैं उस्मान को ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मजाल है जो ये लड़का सीधा हो। तो 15 से 20 मिनट अप्लाई करने के बाद बस आप सिंपली हेड वॉश कर दें। मेक श्योर कीजिएगा कि बच्चों के बालों पे जो है ना अपना वाला शैम्पू इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि अक्सर औकात बच्चों में गंजपन इसी वजह से हो जाता है क्योंकि हम लोग ना अपना ही शैम्पू जिसमें हाई केमिकल्स होते हैं वो हम बच्चों के बालों पे लगा देते हैं, और उनके बालों में इतनी सख्त नहीं होती कि वो उसको बर्दाश्त कर सके। यहाँ पे जी ये फ्राइडे का लास्ट डे था दुआ का, और मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने अपना न्यू जोड़ा निकाल लिया है। और आप सब लोग पूछ रहे थे ये जोड़ा जो है ना मुझे मेरी अम्मी ने दिलाया, आपको याद आ गया होगा मैं जब गई थी अम्मी लोगों के घर पर तो वहाँ से मैंने ये जोड़ा लिया। तो आप देख लें कि मैंने कौन सी चीज़ अपने लिए पसंद की थी। उस वक्त मैंने आप लोग के साथ कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से व्लॉग में वो शेयर नहीं किया, लेकिन वन बाय वन जो भी गिफ्ट्स मैंने लिए हैं वो मैं पहनूँ या मैं वो जो है ना निकालूंगी या लगाऊंगी अपनी स्किन पे, तो वो आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी कि मैंने अम्मी के घर से क्या क्या लिया। तो ये जोड़ा मैंने लिया था, आप लोग को मैंने दिखाया भी था, जिन्होंने मेरे अम्मी के घर पे शॉपिंग वाला व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि ये वाला जोड़ा आप ही ने मॉल में जो है ना मैं दिखाया था। तो ये इस तरह से दिखता है, इस पर सारा मिरर वर्क है। सबसे अच्छी बात बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, समर अप्रोप्रिएट है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और आपको पता है 2-3 लोग इकट्ठे हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं जुम्मे की नमाज वगैरह पढ़ के सूरह कहफ पढ़ के मदरसे जाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग को इंट्रो जो है वो थोड़ा बहुत छूट कर दूं। तो इंशाल्लाह जब मैं मदरसे से वापस आऊंगी तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि आज मेरे लिए मेरे पास कौन सा सरप्राइज है आप सब लोगों के लिए। तो वो मैं मदरसे से आऊंगी ना तो तब मैं आपको बताऊंगी, तब तक आप लोगों ने वेट कर।
जी, तो मैंने भी जो सपना दराज का पार्सल रिसीव किया, पहले इसकी प्राइस देख लें, 678 मतलब 680 रुपये जो है ना इसके मैंने चार्ज किए। तो मैं भी आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि इसमें है क्या। फायका मुझे सीज़र दे दें। दराज के बारे में बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा पूछती होती है, तो मैं इसका लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ईजिली जाके ये ले सकते हैं। इसको मैं ओपन करती हूँ कि इसके अंदर क्या है, मुझे पता है क्या है। और ये जो है ना मैंने चाइना से मंगवाया है, तो ये मैंने जो है ना अपने फ़ोन का कवर मंगवाया है, और आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग इन्होंने बहुत अच्छे से करके भेजी है। और कवर का कलर देखें, मुझे ये ना लाइलैक कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा अब मैं मोबाइल फ़ोन पे लगा के आपको दिखाती हूँ सब। तो ये है जी कवर, बहुत ही हसीन, बहुत प्रिटी माशाल्लाह से। और मेरा ये जो फ़ोन है ये रेडमी नोट 9 प्रो है, ठीक है। तो अब मैं इसको इसमें इंस्टॉल करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, इसका प्रोटेक्टर मैंने रिसेंटली चढ़ाया था, लेकिन वो जो है ना सस्ते वाला चढ़ा लिया, तो ये हाल हो गया। तो मैंने कहा आपसे इंशाल्लाह प्रॉपर चढ़ाऊँगी। कितना प्यारा लग रहा है, वाह। इसका कवर मैंने फाइनली ये चाइना से है, ठीक है, दराज पर। इसकी तकरीबन शिपिंग 25 डेज़ में हुई है, लेकिन बहुत मज़े की चीज़ आई है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोग के पास मेरा वाला फ़ोन है रेडमी नोट 9 प्रो या कोई भी ऐसा कवर, मैं लिंक दे दूँगी दराज का। इनके पास बाकी सारे भी कवर्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मदरसे से तो मैं वापस आ गई थी, और मैंने कहा पहले मैं जल्दी से दराज की अनबॉक्सिंग कर लूँ। जब मैं मदरसे में थी तभी जो है ना मेरे कज़न ले आया था घर पर, तो मैंने कहा पहले मैं अनबॉक्सिंग कर लूँ, क्योंकि मुझे दराज के पार्सल के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग पूछते हो। आप ही काफ़ी टाइम से आपने कुछ पार्सल नहीं ऑर्डर किए, तो मैंने कहा आज लाजमी शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं आज खाना जो है ना बहुत ज़्यादा लेट खा रही हूँ, मतलब अभी शाम हो गई है, तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी और मदरसे जाने की एक्साइटमेंट पर जो है ना मैं भूल ही गई थी खाना खाना। उस वक्त बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं वापस आके ही खाऊंगी। और गुड न्यूज़ ये है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो आए हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बस अचानक ही उनकी कॉल आ गई थी मैं आऊँगा और जो है ना खाना घर पे खाऊंगा। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैंने कहा अल्लाह ताला ने ना दीन की बरकत से मुझे ये खुशी का दिन भी दिखा दिया कि वो अचानक से उन्होंने बोला और वो आ गए। तो बस ये चाय उनकी बन रही है। वैसे तो कितने व्लॉग हो गए, आप लोगों ने आप ही की चाय नहीं देखी, आज देख ही ली फाइनली, क्योंकि मैंने हस्बैंड और उस्मान के लिए बनाई थी। वैसे एक बात सोचने वाली है, उस्मान को भी ना कितने दिन हो गए मैं चाय नहीं बना के दे रही, मतलब हस्बैंड इधर होते थे ना तो उस्मान रेगुलर पीता था, आज 2 कप था। आप लोग देख रहे हैं तो समझ जाएँ कि उस्मान की भी और मेरे हस्बैंड की। और मैं मदरसे से ना जल्दी आ गई थी, अभी खाला लोग कोई भी मदरसे से नहीं है, सब वहीं पे घर पे, मैं अकेली हूँ। मैंने फौरन से पहले खाना निकाला, वो खाया, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। और जनाब लास्ट व्लॉग पे इतना अच्छा रिस्पांस मुझे आया है, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। बस आप लोगों ने एक चीज जहन में रखनी है, हमेशा अपना दिल ना दूसरों के लिए साफ रखें। हम लोग ना छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं और हम उन्हें मानते भी नहीं हैं, तो इस तरह अच्छी बात नहीं होती। अगर आप छोटी सी भी कोई गलती करें और आपको लगे कि अगला बंदा खामोश हो गया आपको देख के, या वो थोड़ा सा परेशान हो गया है, तो आप प्लीज़ मान लिया करें अपनी गलती, इससे कुछ भी नहीं होता। इंसान को जो है ना वो थोड़ा बहुत कोऑपरेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी रिश्ते का हो। तो हो सकता है इस कोऑपरेशन की वजह से जो है ना हमारी अपनी ज़ात पे ज़्यादा असर पड़े, और दूसरी बात अल्लाह ताला जब हमसे राज़ी होंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत भरपूर खुशियाँ आएंगी। ये मैंने कुछ सेटिंग अपनी चेंज की और ब्लॉग में काफ़ी लंबा बना चुकी हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप ही लंबा बनाओ, कुछ लोग कहते हैं आप ही छोटा बनाओ, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अभी आप लोगों ने मुझे कॉमेंट में बताना है कि मैंने ब्लॉग लंबा बनाना है, इसी तरह से ब्लॉग डेली ब्लॉग्स बनाऊँ या कुछ और कॉन्टेंट एड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह।